संभल जिले के फतेहपुर समसुई गांव में खेत में खुदाई के दौरान बाबा खाटू श्याम का पाषाण मिला है। देखने में पाषाण प्राचीन कालीन लग रहे हैं। पाषाण मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण उस खेत की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वहां लोगों की काफी भीड़ जुट गई और लोग उसकी पूजा अर्चना भी करने लगे। इतना ही नहीं, लोगों की आस्था इतनी जबरदस्त उमड़ी कि चंद घंटों में ही 1.5 लाख का चंदा भी इकट्ठा हो गया। लोगों की भीड़ पाषाण के दर्शन के लिए उमड़ रही है और इसे बाबा खाटू श्याम का पाषाण बता रहे हैं। हालांकि TV9 इसकी पुष्टि नहीं करता है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में, यहाँ पर जिस तरह से आपको दिखाना चाहेंगे कि सपने में जिस तरह से बाबा खाटू श्याम आए थे, खाटू श्याम का आना और यहाँ पर खुदाई करना, और खुदाई करने के बाद जिस तरह से यहाँ पर पूरी भीड़ और जमावड़ा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को बसंत पंचमी थी, जिस तरह से बाबा खाटू श्याम के वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण, अभी चौथा दिन है, अभी बसंत पंचमी चल रही है। उसी बीच यहाँ पर जो पिंडाल है, ये मंदिर बड़ा सा परिसर पीछे है, उसी परिसर के बीच में जिस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति लगातार सपने देख रहा था, सपने देखने के बाद उसने लोगों को बताया और यहाँ बाबा है, उन्होंने एक जगह निश्चित की। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा मैन से कि ये वो जगह है कि जहाँ पर ये जगह है, यहाँ खुदाई की गई थी और सपने में जिस तरह से दिखाई दिए थे, उसके बाद यहाँ जिससे बाबा का ये दर्शन हो रहे हैं, बाबा खाटू श्याम के, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूरे इनके पीछे पत्थर में 3 निशान है और बाबा यह धारण है, आम पब्लिक और गरीब का जिस तरह से मसीहा और जिस तरह से उनके जो हालात है दूर करते हैं, आज बाबा के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी है। अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, करीब 1.5 लाख का चंदा यहाँ आ चुका है। आस्था है, क्या कहते हैं कि जब आस्था होती है तो वो आस्था धर्म पर भारी होती है। अगर धर्म पर जब भारी हो जाती है तो फिर आस्था के पीछे पीछे लोगों का जमावड़ा होता है। वही भगवान के मानने वाले और भगवान को चाहने वाले अगर दर्शन करें तो उनके करीब आ जाते हैं। पहाड़ से होते हुए मैदान तक खाटू श्याम बाबा का जो दर्शन करने के लिए लोग हिमालय पर जाते हैं, लेकिन आज खुद ही दर्शन करने के लिए बाबा इस जंगल के बीच आ चुके हैं। फिलहाल मैं चाहूंगा, मेरे साथ यहाँ पर एक भाई हैं। सर, क्या नाम है आपका? लवित कुमार गुप्ता। लवित जी, क्या दर्शन किए गए, किस तरह सपना आया, क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? ऐसा है, इस धाम से जो है हमारे एक भक्त हैं प्रवीण मिश्रा जी, वो मतलब शुरू से ही यहीं से जुड़े हुए हैं, गांव के सेवादार हैं, इस श्री समाधि बाबा के सेवादार हैं वो। तो उन्हें पिछले 3 महीने से एक स्वप्न आता था, जो कुआं है यहाँ पर पीछे कुआं है एक, उस कुएं में से उन्हें कटा हुआ सिर मतलब ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता था और वो उस चीज से बहुत ज्यादा घबराते थे। उससे तो उससे बचने के लिए उन्होंने जो है तांत्रिक वगैरह होते हैं शुरू में, उन लोगों से संपर्क किया और जो महात्मा वगैरह होते हैं उन लोगों के पास गए, तो उन लोगों ने उन्हें जो पूजा वगैरह बताई उन्होंने की, लेकिन उस चीज का उन्हें कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक फतेहपुर समसुई गांव में एक व्यक्ति को 6 महीने से प्राचीन समाधि बाबा के नजदीक कुएं के पास कटा हुआ सर सपने में दिखाई देता था। प्रवीण मिश्रा जी, क्या देखा सपना आपने और क्या निकले, क्या क्या हुआ? मुझे कटा हुआ सर दिखाई देता था 3 महीने से लगातार। मैं पूर्णागिरी जब महात्माओं से कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सपने में मुझे ये वाली दिशा निश्चित की कुआ की, इधर कोई प्रतीक है उनका, खाटू श्याम जी का सपना, और मतलब 10 लोगों के करीब दिखाई दिया है गांव में, जो लोग समाधि बाबा से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सभी ही ज्यादातर सपना दिखाई दिया है। कौन सी जगह है ये? सिद्ध समाधि बाबा प्राचीन धाम। प्राचीन धाम पर? जी जी जी। तो कितनी खुदाई की है और क्या निकला, कैसे? ये करीब 4 फीट के लमसम खुदाई होगी, 4-5 फीट के लमसम लोगों ने की है खुदाई, और ये मतलब प्रतीक चिन्ह मिला है पत्थर का। क्या मानते हैं, क्या मनोकामना है आगे, क्या? बस हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि यह मंदिर बने, गांव भक्तों का कल्याण हो, यही मतलब है सर। सपने के बाद काफी समय से मानसिक रूप से परेशान रहने लगा, फिर उसने आसपास लोगों से जिक्र किया और एक बाबा की शरण में आया। बाबा ने उसे 40 दिन का पूजा पाठ करने के लिए बताया। उसके बाद 30 जनवरी दोपहर के वक्त ग्रामीण और एक साधु आए और जहां निशान खुदाई करते वक्त बाबा खाटू श्याम मिले, जिस पर शीश और 3 बाण बने हुए थे। अच्छा लग रहा है, बाबा खाटू श्याम निकले हैं। अच्छा, तो लोग यहाँ आ रहे हैं कहाँ कहाँ के? काफी काफी दूर के आ रहे हैं। अच्छा, सभी लोग आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब? यस, सब आ रहे हैं। कोई जाति बिरादरी का कोई वो नहीं करते, सब मिल के रहते हैं।
क्या कहना चाहते हैं? बस नई सवाल में जाने अच्छे रहे, बस सब जने मिलजुले रहे, बस मंदिर किससे हो रहे हैं। महेंद्र नाम, महेंद्र, यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है और यहाँ पर एक बाबा हनुमान श्याम का निकली है, क्या कहना चाहते हैं और कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा। अच्छा, कौन हो आप? हम कोरी हैं। अच्छा, दुकानदार हैं, सामान बेचते हैं। कैसा बिक रहा है यहाँ प्रसाद वगैरह? से ठीक बिक रहे हैं। अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा। बिक्री बढ़ी है आपकी? नहीं, आप देख। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज, क्या काम करते हैं आप? ये दुकानदारी करते हैं, छोटी मोटी गांव। यहाँ कहाँ दुकान लगाई आज? आज यहाँ नाले पे दुकान लगाई है, समाधि बाबा के पीछे। अच्छा, तो बाबा यहाँ बाबा खाडू श्याम? हाँ, कल से निकले हैं। वैसे हमारे प्रसिद्ध प्राचीन सिद्ध समाधि बाबा हैं ये। पहले से बिक्री अब ज्यादा आज हो रही है क्या? ना, बिक्री चल रही है, सही चल रही है अपनी। हाँ, खाने पीने ला, प्रसाद ले रहे हैं? हाँ, प्रसाद ले रहे हैं लोग। यहाँ खाटू श्याम जी है? खाटू श्याम जी तो खाटू में, यहाँ भी निकले बहुत जगह जगह। यहाँ पे जूते सौभाग्य समझो जो हमारे यहाँ दर्शन हुए हैं। अच्छा, निकले हैं? हाँ। कैसे निकले? सपने में दर्शन दिए जी भक्तों को। अच्छा, बाबा आप यहाँ दर्शन करने आई हैं? ये सपना आया था कम से कम 3 महीने पहले, चर्चा चल रही थी इस विषय पे काफी। इनके गुरुजी ने, भैया के ने बताया था, चिन्हित हम ही सभी लोग थे, गांव के करीब 100-150 लोग थे। वीडियो भी है, लाइव वीडियो देख चल भी रही थी, खुदाई चल रही थी, मैं खुद था वहां पर, मैं भी खुदाई करवा रहा था। तो एक ये पाषाण जो खाटू श्याम की मूर्त है वो निकली थी। भाई साहब, आस्था का प्रतीक यहाँ पे खाटू श्याम जी हैं। यहाँ सबसे पहला मेरे मित्र हैं ये प्रवीण मिश्रा, वो उनको एक स्वप्न आता था लगभग 3 महीने से लगातार, कि कुएं में से एक शीर्ष निकलता है और वो कुछ कहता है, लेकिन जो कहता था वो समझ में नहीं आता था कि वो कह क्या रहा है। समय बीतता गया, उसी तरह से हमने पहले कुछ और समझा, लोगों को दिखाया कि भूत है क्या है, ऐसी बातें थी। लेकिन उसके बाद किसी ने बताया कि पूर्णागिरी जाओ, वहाँ एक महात्मा जी हैं, उनसे बात करके देखी। तो वहाँ भी पहुँचे साहब, वहाँ पहुँच के उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पर जो शक्ति है वो कुरुक्षेत्र की शक्ति है। तो मैंने उनसे बोला, महात्मा जी हमें क्लियर नहीं हुआ साहब, कुरुक्षेत्र की शक्ति से क्या मतलब है आपका? बोले कुरुक्षेत्र की शक्ति आज के रूप में आप खाटू श्याम जी का प्रतीक मान सकते हो, वहाँ पे हैं। 26 जनवरी को खुदाई का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और अब जब से मंदिर में बाबा खाटू श्याम पत्थर मिला है तब से गांव में मेला सा लग गया है। आसपास लोग खड़े होकर गांव की ओर आ रहे हैं, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। करीब 1.5 लाख रुपए का चंदा अब तक आ चुका है।